महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों नमस्कार, महिला बाल स्वास्थ्य सेवा समिति एसटीआई सलाहकार स्वास्थ्य विभाग अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति से जुड़ी हैं स्वयं हेमलता भट्ट जी, जो हमारे स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम में बार बार शिरकत करती हैं और हमें महत्वपूर्ण बिंदु पर सुझाव देती हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में को अपना ख्याल किस तरह रखना चाहिए या पारिवारिक लोगों को किस तरह महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है लोगों के लिए, क्योंकि जब गर्भावस्था होता है तो उस दौरान बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए। इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है कुमाऊँवाणी। सभी वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का या परिवार के सदस्यों को उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सशक्त माध्यम है, हमारी सभ्यता हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ सवाल है। जब भी हमारे परिवार में कोई शादी होती है तो शादी के बाद घर बनना शुरू होता है, जहाँ पर दो व्यक्ति दो आत्माएं एक होती हैं। धीरे धीरे करके ये क्रम जब बढ़ता है शादी के बाद, तो कहीं ना कहीं एक साल दो साल या तीन साल या उससे कुछ अधिक का समय जब भी एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में बनता है, तो उस समय एक स्त्री परिपक्व रूप से माँ बनने के लिए सक्षम होती है और वो मातृत्व को ग्रहण करती है। तो इसी क्रम को गर्भावस्था कहा जाता है। जब ये गर्भावस्था का काल शुरू होता है तो उस समय महिलाओं के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस तनाव होता है। इस दौरान जब पहला महीना शुरू होता है तो महिलाओं का स्वभाव प्रकृति के अनुरूप बदलना शुरू होने लग जाता है। उनके शरीर पर उनके मन पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, उनकी शारीरिक प्रक्रियाएं भावनाएं बदलने लग जाती है। इसमें शरीर के अंदर दिमाग के अंदर मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। सबसे पहले जो एक गर्भवती महिला होती है उसे अपनी शारीरिक बनावट से या अपने जो उसकी वंशानुगत परंपराएं होती हैं जो उसे अपनी माँ से मिलती हैं, उन परंपराओं के अनुरूप अपने शरीर से जब वो गर्भवती होती है तो उसे उस दौरान काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। उसको उल्टी करने का मन होता है, उसका जी मिसलाने लग जाता है, उसके शरीर में परिवर्तन आने लग जाता है, सोच में परिवर्तन आने लग जाता है। यदि उसको उल्टियाँ प्रथम माह से शुरू होने लग जाती हैं तो ये उल्टियों का क्रम किसी को पहले माह से लेकर नौवें महीने तक लगातार बना रहता है। यदि इस दौरान एक गर्भवती महिलाओं को का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ये पता चल जाता है, यदि गर्भवती महिलाओं को उल्टियों का क्रम शुरू होता है तो इस उल्टी के क्रम में उसके शरीर से काफ़ी कुछ पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसका खाने का मन नहीं करता है। यदि वो कोई भी तरल पदार्थ लेती है तो इस तरल पदार्थ को लेने के बाद उसे तुरंत ही उल्टी होने लग जाती है, जिससे कि जब ज़्यादा उल्टी जब उसे महिलाओं को होती है तो इस दौरान उसके शरीर में नमक की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, अनेक किस्म से उसका व्यवहार चेंज होने लग जाता है।
किसी महिलाओं को चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, वो शारीरिक रूप से दुर्बल होने लग जाती है। तो इस समय जब ये गर्भावस्था की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं परिवार के हर सदस्य को एक गर्भवती महिला का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उनकी सास हो, या घर में उनकी ननद हो, या उनका पति हो, या उनके छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, जो भी हो, हर व्यक्ति को गर्भवती महिला का प्यार से और सहानुभूति के साथ उसकी देखरेख करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि महिला जो गर्भवती होती हैं, अगर स्टार्ट से ही पता चलता है कि एक दो महीना हो गया, वहीं से उसका व्यवहार में बदलाव आता है और परिवार को भी अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। मैं दूसरी चीज़ जानना चाहूँगा, क्या पाश्चात्य सभ्यता और जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ के पीछे, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, क्या इनको पीछे छोड़ रही हैं जो हमारे घरेलू, आपने बताया खान पान आदि को लेकर के? कभी भी हम इस माध्यम के द्वारा या अपनी आवाज़ के द्वारा किसी भी संस्कृति या किसी माध्यम किसी को अपनाना या उन संस्कृति को अपनाना, अपनी सोच को विकसित करना है। यदि हम सभ्यताओं को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होगा, हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, हमारे परिवेश में, हमारे आदतों में वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन या जनरेशन गैप हमारे बीच में कहिए, तो हमारी जो यानी जो एक पीढ़ी है वो पीढ़ी आज भी दाल चावल रोटी सब्जी फल फूलों पर निर्भर है। लेकिन अब जब हम लोग खुद एक नई पीढ़ी में हम लोग पैदा हुए हैं और हम एक नई सोच को रखते हैं, उस सोच के साथ हम लोग यही चाहते हैं कि हम एक नई सभ्यता को, हर एक नई चीज़ को अपनाएं और हर उस सभ्यता के साथ अपनी भागीदारी करें कि हम संसार का जो चक्र है, जो प्रकृति बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, सभ्यताएं बदल रही हैं, विकास दर बदल रही है, विकास का क्रम बदल रहा है, विकसित देशों से विकासशील की ओर सभ्यताएं बढ़ रही हैं, तो उन सभ्यताओं को, उन संस्कृति को अपनाना ही हमारा कर्तव्य है और आगे जनरेशन के हिसाब से, सोच के हिसाब से हमें खुद को परिवर्तन करना है। ये हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम जो सभ्यताओं की अंधाधुन दौड़ पर भागीदारी कर रहे हैं या उन संस्कृति या उन सभ्यताओं के पीछे दौड़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तनाव की बात कही थी, तनाव आदि परेशानियाँ किस तरह से होती हैं और इनसे किस तरह अपने आप को बचाया जाए, विशेषकर महिलाओं के लिए तनाव एक बहुत भारी शब्द है, और गर्भावस्था के दौरान तनाव किस तरह देखा जाता है, इसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? अब इसी के साथ मैं जोड़ लेता हूँ, भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान? तनाव एक ऐसा विषय, एक ऐसा सशक्त माध्यम या सशक्ति बातचीत का माध्यम है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रकाश भी वो कम है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि हमें अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने दिमाग के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हम देखते हैं, हम सुबह घर से निकलते हैं, हमारी जो नियमित दिनचर्याएं जो पहले बहुत ज़्यादा सीमित थी, सुबह उठना, स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, खाना खा के तैयार होके अपने काम के लिए निकलना था, बस वो एक सीमित समय के ऊपर हमारी दिनचर्याओं के माध्यम से था। उस समय हमारी दिनचर्याएं काफ़ी सीमित थी और हम बहुत कम वस्तुओं में भी अपना, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने मन को कंट्रोल करके रखते थे और उन्हीं साधन सुविधाओं से हम संतुष्ट थे। लेकिन आज सभ्यता, संस्कृति, चीज़ के मायने बदल चुके हैं, हमारी खुद सोच बहुत और कहीं ना कहीं हमें तनाव की ओर लेके जा रही है। ये तनाव
चाहे हम परिवार, हमारे परिवारों में तनाव हो, चाहे महिलाओं में तनाव हो, चाहे पुरुषों में तनाव हो, चाहे माता पिताओं में तनाव हो, चाहे वृद्ध व्यक्तियों में तनाव हो, चाहे एक बच्चे में तनाव हो, कहीं ना कहीं तनाव का स्तर आज काफ़ी बढ़ गया है। हम देख रहे हैं तनाव की परिभाषा काफ़ी विकराल रूप लेके आगे जा चुकी है। हम जितना भी देखें हमारे चारों ओर के वातावरण में, हम जितने भी प्राणी इस वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, ये वायुमंडल में जो हम सांस छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे तनाव को के द्वारा हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी दूषित हो रही है। वो इसलिए दूषित हूँ कि हम कहीं ना कहीं अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग खुद तो सुखी होते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने वाला कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी होता है तो हम उसके सुख को देखकर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से ये होता है कि हम उस सुख को देखकर तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। ये होते हैं तनाव से ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तनाव का लेवल, हमारा तनाव का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला जाता है। और जब गर्भवती महिलाओं को तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है तो उस दौरान शरीर, मन, रक्त, मांस, मज्जा, जो एक भ्रूण की संरचना करती है, जब वो भ्रूण बनकर तैयार होने लगता है तो उस समय माँ तो खुद तनाव में रहती है, लेकिन जो हार्मोनल सीक्वेंस होता है वो खून के द्वारा उस बच्चे के रक्त में, मांस में, उसके दिमाग में रस बस जाता है, यानी उसे वंशानुक्रम, वंशानुगत परंपरा, यह जो भी हम कहें, उस क्रम में माँ से स्वतः ही ऑटोमेटिक रूप से तनाव माँ को, बच्चे को गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो विशेष रूप से मुझे उतना ही तनाव लीजिए या उतना ही तनाव लेना अच्छी बात है, लेकिन उस तनाव को अपने शरीर पर, अपने मन पर हावी ना होने दें। यदि आप तनाव को वास्तव में अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो जो चीज़ थोड़े से में सही होती है वो विकराल रूप ले लेगी और कल आपको उस ओर धकेल देगी जहाँ से वापस आना आपका असंभव है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि तनाव को सीमित करके रखिए। तनाव लेना अच्छी बात है, लेकिन तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जिससे कि आपका भविष्य बिगड़े और कल आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आपके तनाव के कारण बहुत सारी मुसीबतें आ जाए। तो तनाव को, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ना ही अपने चारों ओर फैलने दें। एक सभ्य समाज, एक सुसंस्कृत समाज को बनने दीजिए। एक उज्ज्वल माहौल पर भविष्य बनाने की कल्पना कीजिए। गर्भावस्था से गुजरते हुए एक स्वस्थ शिशु को जन्म दीजिए। खुशियों भरी मेरा आपसे गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखने की आपसे गुजारिश है। कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई और शायद हमारे श्रोताओं को लगेगा भी बच्चे पर माँ का असर कितना होता है। कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि गर्भ में कितना असर हो सकता है। मैम, जाते जाते, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती होता है और श्रोताओं का तो ज़्यादा कीमती है क्योंकि वो हमें इतने ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं, तो यह जानना चाहेंगे कि भोजन किस तरह का होना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। एक गर्भवती महिलाओं को संतुलित, पौष्टिक, संपूर्ण कैलोरी युक्त, स्वादिष्ट भोजन लेना चाहिए। भोजन के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक पानी का सेवन करना चाहिए। ऐसा अपने हर एपिसोड में आपसे ये कहते रहती हूँ कि पानी की मात्रा यदि आप अपने खाने में, अपने पीने में अधिक बढ़ाएंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी अचानक से आकर नहीं लगती है। यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होगी तो आपके शरीर की ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि कोई भी रोग या कोई भी कीटाणु अचानक से आपके आके आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को गड़बड़ नहीं कर सकता है, जिससे
कि आप किसी भी तरह, यही आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होगा कि आप एक अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, विटामिन से भरपूर खाना खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं। साथ ही खाने के साथ साथ आप जब भी खाना खाएं, चाहे वो दिन का खाना खाएं, चाहे वो रात का खाना खाएं, या आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, खाने के बाद आप थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। जैसे कि हम मीठे की बात करते हैं, हम रसमलाई, रसगुल्ले, जलेबी, बर्फी, जो भी हमें पसंद होता है वो जरूर खाएं, लेकिन इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से और गर्भावस्था के दौरान हम जो बात कर रहे हैं, तो समय के अनुरूप, ऋतुओं के हिसाब से आपको अपने मीठे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप सर्दी के ऋतु में हैं, तो गर्भवती स्त्रियों को हमेशा गुड़ का सेवन करना चाहिए गर्मियों के सेवन में। गर्मियों के गुड़ का सेवन ना करें, बकायदा आप सर्दी के समय में गुड़ का सेवन ज़्यादा करें। यदि आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं तो उससे आपके शरीर में खून की, और एक गर्भावस्था के दौरान जो शिशु होता है उसे मीठा पदार्थ काफ़ी पसंद होता है, खाती है वो, बच्चा तुरंत ग्रहण करता है और भ्रूण में पलने वाले बच्चे को उस स्वाद का पता चल जाता है, और वो उस खाने से, उस क्रियाओं से अपने भ्रूण को एक स्वस्थ और सुसंस्कृत संस्कार देती है। तो एक कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो एक अच्छा खाना खाएं, अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिशु को जन्म दें। यही मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा वातावरण अपने चारों ओर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार, तब तक के लिए फिर मिलेंगे हेमलता जी के साथ। मिल गया था यूं ही कोई, मिल